हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप सबको नमस्ते, प्रणाम। ये देखिए, मैं आई हूँ खेत में, तो यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ मेथी, राई। मुझे बनानी है मेथी और राई की सब्ज़ी, तो उसके लिए यहाँ पर आई थी। तो ये चार तरफ करने जा रहा खेत का। ये देखिए, कैसे हैं आप सब बताइए? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। तो अब मैं चलती हूँ घर, और घर आ गई हूँ। घर आने के बाद मैंने ये सब्जी काट ली है। ये देखिए, काटने के बाद धो ली है, और धोकर मैं इसको कुकर में डाल के थोड़ा सा आधा गिलास पानी डालूँगी, और पानी डालने के बाद उबालने के लिए रख दूंगी इसको। तो हरी सब्जी ये नहीं खाई थी, कई दिन हो गए थे। बस ऐसे ही मन कर गया घूमने को, तो वहाँ बाहर चले गए, और मैं मेथी, राई, ये बथुआ, ये सब लेके आई। देखना वीडियो को पूरा, देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को नए हैं वो सब्सक्राइब करना। ये देखिए, यहाँ पर आधा गिलास पानी डाल दिया है मैंने। अब इसको ढक्कन लगा के और चूल्हे के ऊपर रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने वो जो सब्जी बनाई थी उबाल कर तैयार कर ली है, और उसके बाद मैंने ये बेसन का, जो सब्जी बनाने के लिए बेसन और लस्सी का घोल था, वो पकाया है तड़का लगाकर उसमें डालने के लिए। तो ये देखिए, अच्छे से पक गया है, पक कर तैयार हो गया है। अब मैं इसको इसमें रख देती हूँ। बहुत सारा लहसुन था, हरी मिर्च थी, प्याज, और क्या बोलते हैं, मेथी, ये सारी चीज़ थी। अब इसके अंदर ये मिला दिया है अच्छे से, और इसको दोबारा से तड़का लगाना है। आप देख सकते हैं, ये बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसका दोबारा से तड़का लगाऊंगी। एक बार तो जो लस्सी और बेसन था उसका लगाया, अब इसका घोल को अच्छे से पहले पकाऊंगी, उसके बाद तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पर मैंने मेथी काट ली है, ये देखिए, बारीक बारीक मेथी के पराठे बनाने हैं। काट ली है, यहाँ आटा छान कर रख दिया है। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी और डालकर आटा लगा लूँगी। मेथी की रोटी हो या सब्जी हो, कोई भी, बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। सारे ऐसे निचोड़ निचोड़ करके और सारी मेथी को आटे के अंदर मिला दूंगी, और इसका आटा लगा लेंगे अच्छे से। वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने पर ही पता चलता है क्या हो रहा है। सर्दी का मौसम है, तो काम तो बहुत ही स्लो चलता है, क्योंकि काम करने की नियत नहीं रख करती। देखिए, सारी मेथी मैंने आटे के अंदर डाल ली है। इसको अब आटा भी लग गया और पराठा भी बन गया। ये देखिए, और भी बना रही हूँ मैं। बीच में जो डो तैयार किया था उसकी वीडियो नहीं बना पाए, तो नहीं दिखाया। तो यहाँ पर मैं पराठे भी बनाऊंगी और उसकी रोटी भी, क्योंकि सभी पराठे नहीं खाते, ये सिर्फ उत्सव के लिए है पराठे, और हम दोनों खाएंगे रोटी। ये यहाँ पर रखा था दूध, पहले दूध गर्म कर लेती हूँ।
मेथी के पराठे बहुत ही, और बाहर चल रहा है काम, तो जो भी काम कर रहे हैं मिस्त्री लगे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या कर रहे हैं आज। तो इनको क्या करना था कि जो दीवार की मंडेरी है उस पर ईंट लगानी थी और उस पर लिपाई करनी थी। तो ये मेरा झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है, मिस्त्री लगे हुए हैं फिर भी पोछा के बिना नहीं मन करता, क्योंकि सारे घर में सिमट ही सिमट हो जाती है, इसलिए पोछा भी लगाना ज़रूरी है। और आ गई हूँ मैं बाहर, ये देखिए यहाँ पर मसाला बना कर रखा है, जो हेल्पर है वो बार बार उठाकर ऊपर ले जाता है, ये देखिए ये ऊपर ले जा रहा है। ये मिस्त्री लगा हुआ है, अपने काम में बिजी है ये सब। मैं बस यहाँ पर रसोई में आई थी, बाहर जो चूल्हा है उस पर, तो ये छोटा सा वीडियो बनाया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।